वन थिंग मैंने नोटिस की है कि उसने फिर से उल्लू बनाया और एक चीज़ में, एट तो अच्छा है बट उसने आई दिया है वन समझ कर। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आफ्टर सो मेनी डेज आई एम ब्लॉगिंग। आई नो इन एवरी इंट्रो आई टॉक सो, बट इट्स ओके। एज यू गाइज नो, टूडे इज माई 18th बर्थडे। अगर पता भी नहीं होगा तो टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर इट, बट कुछ हो तो नहीं सकता सिंस लॉकडाउन इज देयर। सो वी हैव डिसाइडेड टू डू अ स्मॉल सेलिब्रेशन इन होम, जिसकी तैयारी अभी चालू होने वाली है। सो आई एम डूइंग अ व्लॉग फॉर दैट, एंड आई एम मिस माई फ्रेंड सो मच, बट कुछ कर भी नहीं सकते। आई ऑर्डर टॉप्स, वो टॉप भी नहीं आए हैं, सो आई डोंट हैव न्यू क्लोथ फॉर बर्थडे। सो आई फील अ लिटिल डिजेक्टेड, बट क्या अब उनके साथ झगड़ा करके तो कुछ होने वाला नहीं है। एवरी वन हैज़ अ प्रॉब्लम, सो इट्स ओके, कुछ नहीं, हो जाता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट डेकोरेटिंग माई दिस रूम, बिकॉज इन दैट रूम इतना अच्छा लाइट नहीं है, मतलब शाम को तो अच्छा नहीं होता इतना लाइट। एंड आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस सिंस आई एम इन दिस रूम विच इज़ हॉल। सो द रोड इज़ नियरर टू दिस रूम, सो वही आई मीन गाड़ियों की थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, सो इट आई थिंक यू शुड एडजस्ट विद इट। क्या कर सकते हैं, सब कुछ एडजस्ट कर लो तुम लोग। बहुत बुरे लग रहे तो। सो आई जस्ट डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस व्लॉग विल बी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4 o'clock, हाफ ऑफ माई डे इज ओवर। आई मीन सुबह कॉल आने में, सबसे बात करने में ही टाइम जाता है, एंड यू गाइज नो दैट आई रिकॉर्ड ऑन माई फोन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टॉक ऑन कॉल एंड टू ब्लॉग एट द सेम टाइम। सो रुकना पड़ा थोड़ा, एंड नाउ आई एम स्टार्टिंग डेकोरेशन। सो यू वाइट बी थिंकिंग दैट मेरा ही बर्थडे और क्या मैं, बट क्या, लोनलीनेस ओवरलोडेड हो गया, अब क्या कर सकते हैं। I'll take my father for help, but we'll start for the decoration. So I have started blowing the balloons, and आधे तो उसने खराबी दे दिए, सब लोग फ़ायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन का, क्या कर सकते हैं। सो शो यू द वॉल विच आई एम गोइंग टू डेकोरेट, एंड यू जो आई एम डेकोरेटिंग इट फॉर द रील विच आई एम गोइंग टू मेक। आई डोंट थिंक वो वर्क होगा, बट विल ट्राई टू डू सो, बिकॉज और कुछ ऑप्शन है नहीं। कितने बार बोलने वाली हूँ। And why I am getting so nervous? I am vlogging after a long time, so बोलने की थोड़ी प्रैक्टिस कम हो गई है। सो आत्ताच मम्मी बोलून गेली आहे की मी मराठीत व्लॉग करत नाही आणि एकदाही केलेला नाही। सो वी आर गोइंग टू स्विच इन लँग्वेजेस, मध्ये मध्ये मराठी बोलेल, जसं मला येईल तसा हा ब्लॉग होत जाईल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द ब्लॉग। So this is the wall which we are going to decorate it today, and I can't show you from the back camera. My back camera is so bad that it gives so bad footage. I just can't help in that. So I'm shooting from the front camera itself. So this and this is what I have right now. It's just my sister has bought something, so we'll try doing something, and I'm not at all good in doing any sort of decoration or in craft stuff. I'm so bad in it. I always used to get B grade in work experience because I just hate it. I don't know why, but I hate it. But we'll try to do so because बर्थडे तो बनाना है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना। इट्स बीन 5 मिनट्स, आई एम नॉटिंग दिस बलून एंड नहीं हो रहा था मेरे से। एक तो डिसएडवांटेज है नेल्सचा कि जेव्हा पण काही बांधायचं असेल किंवा असं काढायचं असेल ना, इतका स्ट्रगल होतो त्या नेल्स बरोबर। शाइनिंग मारायला चांगली वाटते, पण जेव्हा काम करायचं असतं वाट लागतं, वाट। And one advantage that I'm getting of this Instagram and doing YouTube stuff is that today whenever whoever is posting my pictures, they are posting just first class pictures. I'm so happy with that. कि कुछ तो advantage हुआ भाई, इतने अच्छे अच्छे pics आ रहे हैं कि मैं खुद खुश हूँ कि wow कितने अच्छे pics हैं। I know I have posted them, वही वो repost कर रहे हैं, but every year whenever my birthday is there, वो इतने बकवास डिस्गस्टिंग पिक्स डालते हैं, वो तीन चार साल पहले के, जिसमें मैं इतनी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन जो दिख रही हूँ उसमें, मुझे अच्छे नहीं लगते वो, और वो डालते हैं। बट स्टिल वन ऑफ माय फ्रेंड एंड माय सिस्टर, दे हैव पोस्टेड माय प्रीवियस पिक्चर्स ऑफ माय चाइल्डहुड एंड ऑल दैट,
सो कुछ लोग ऐसे होते ही है कि कितने अच्छे पिक डाल लो वो कुछ ना कुछ उसमें तीन चार पिक ऐसे डालेंगे जिससे बवाल मचने वाला है. सो वी कांट हेल्प आउट इन दैट बट इट्स ओके. मेजॉरिटी अच्छे पिक्स डाले हैं. सो थैंक यू एवरीवन फॉर दैट. रोज की स्टोरी हो गई है, बोल बोल के थक चुकी हूँ. So guys, I have also blown the 18 number which we are going to stick there. But one thing मैंने नोटिस की है कि उसने फिर से उल्लू बनाया. और एक चीज़ में 8 तो अच्छा है बट उसने आई दिया है 1 समझ कर. ये बर्थडे झोलर बर्थडे हो चुका है ऑलरेडी. ओके गाइज, सो माई डेकोरेशन इज डन आफ्टर 1 hour यू कैन से. आणि गाल जे कामातून गेले आहेत फुगून फुगून फुगा शॉटा तर सो एवढा पण वाईट नाही बनवलाय, ठीकठाक आहे ते. आणि आता बड्डेपेक्षा जास्त मी मला तिकडे फोटो काढण्यात इतका एक्साइटमेंट वाढलाय की काय सांगू. अँड माय फेस इज अ मेस राईट नाव, प्लीज इग्नोर दॅट सिन्स आय वॉज वर्किंग विथ फॅन ऑफ. You guys can understand that. So let's see the decoration now. फ्लोअर इट सेल्फ आय हॅव नॉट स्टॅक ऑन द वॉल बिकॉज मला थोडे असे आकडून वगैरे जरा फोटो काढायचे आहेत 18th अँड लीगल वाले म्हणून मी ते ठेवलं आहे. सब घर जा चुके हैं एंड नाउ आई नीड टू सी द गिफ्ट्स एंड ऑल दैट. बट आई होप आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑफ दैट. आई मीन द गिफ्ट्स विच आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स. 18 तो सिस्टर ने ही दिए एंड आई फील वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू हैव एवरी वन इन माई लाइफ. योर पोस्ट्स, योर स्टोरीज, एवरीथिंग वॉज सो गुड एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट. आई लव यू गाइज सो मच. इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का एक फ़ायदा हुआ है कि मैं ज़्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ. आई लाइक टू शेयर माई मूवमेंट्स एंड आई लाइक टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इतने दिन बीच में गया था, आई वॉज मिसिंग सो मच. हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल वाला. आई यूज टू से अगेन एंड अगेन इन माई माइंड क्योंकि मुझे इतना वो मिस हो रहा था. मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ. सो वेन एवर आई मेक वीडियो आई जस्ट गिव माई 100% टू इट बिकॉज आई जस्ट लव टॉकिंग टू द कैमरा. So that this all is possible only because of you guys and I thank you all from the bottom of my heart. And it's been a week. I was waiting for my birthday but since lockdown tha कपड़े मतलब कपड़ों का वो सीन हो गया एंड ऑल दैट. सो मेरा मन नहीं था इतना बर्थडे करने के लिए बट द डे जस्ट वेंट लाइक वाओ. I am so happy today. I mean, at the end of the day, I am just getting a satisfaction that yes, 18th birthday, जो कभी फिर से वापस आने वाला नहीं है. I spent that, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा enjoy किया. I am just beyond my words. So I thank you all for all your wishes. If I have missed someone's wish, then I am extremely sorry. यहाँ से ही thank you बोलते हूँ सबको. And बस और क्या चाहिए. So that's it for today's video guys. I hope you guys liked my video. Don't forget to like and subscribe to my channel and I'll meet you guys in the next one. Bye guys.